विवेक ओबेरॉय स्टार फिल्म पीएम मोदी काफी विवादों और कई बार अटकने के बाद फाइनली 24 मई को रिलीज हो गई थी। इस फिल्म ने रिलीज होते ही खूब सुर्खियां बटोरी। ये फिल्म भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत के तुरंत बाद ही रिलीज हुई। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत को देखकर ये मान लिया गया है कि उनकी बायोपिक ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है। वहीं विवेक ओबेरॉय ने इस फिल्म के प्रमोशन में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें, 24 मई को रिलीज होने हुई इस फिल्म के 7 दिनों के आंकड़े सामने आए हैं। हाल ही में ट्रेंड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म से जुड़े आंकड़े शेयर किए। इस आंकड़ों को देखा जाए तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। आंकड़ों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक ने 7 दिनों में लगभग 19 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की है। तरण आदर्श के मुताबिक इस फिल्म ने पहले दिन 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जी हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें कुल मिलाकर तो इस फिल्म में मेकर्स और फैंस की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक अगर देखा जाए तो जितनी ज़्यादा उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक नहीं खरी उतर पाई है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।